स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और करीना कपूर ने करवा चौथ पर विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि करवा चौथ जैसे व्रत में अपने पति के लिए प्यार में भूखा क्या मरना, इस दिन तो मिठाई खाना चाहिए। इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस पर है हमारी विशेष पेशकश, प्यार में भूखा क्या मरना। देश भर में शादीशुदा महिलाएं करवा चौथ का त्यौहार मना रही हैं। बिना पानी और खाना खाए अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांग रही हैं। लेकिन करवा चौथ को लेकर फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर का अलग ही फलसफा है। करीना कपूर कहती हैं कि प्यार साबित करने के लिए आखिर व्रत क्यों रखा जाए, इस दिन तो महिलाओं को खाना पीना चाहिए, आखिर प्यार के लिए भूखा क्यों रहे। खाना खाओ, मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो यार, प्यार में भूखा क्या मरना। खाना खाओ, मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो यार, प्यार में भूखा क्या मरना। खाना खाओ, मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो यार, प्यार में भूखा क्या मरना। खाना खाओ, मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो यार, प्यार में भूखा क्या मरना। और करीना कपूर के इस विवादित बयान पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आधुनिक गुरु चारू राय और धर्माचार्य विवेक मुदगल जी हैं। और मुंबई से हमारे साथ हैं अभिनेत्री तनिषा सिंह, जयपुर से हैं सामाजिक कार्यकर्ता सीमा सेठी और अहमदाबाद से हैं रसना ब्रांड की मालकिन और उद्यमी महिला रुझान खंबाटा। साथ ही पटना स्टूडियो से हमारे साथ हैं मटुक नांद की प्रेमिका जूली। तो हमारे साथ ये खास मेहमान मौजूद हैं और सबसे पहले हम चारू का जरूर रुख पहले करना चाहेंगे। चारू, आप इसको कैसे देखती हैं जो बयान दिया है करीना कपूर ने? बहुत ही अजीब सुन के लगा। अगर आप अपने पति से प्यार करती हैं तो उनके लिए भूखा रहना ये नहीं दर्शा देगा कि आप पति को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं या कम करती हैं। अगर आप भगवान पे आस्था रखती हैं तो पति के प्यार पे जरूर विश्वास करना चाहिए। करीना कपूर जैसी अभिनेत्री को ना शादी से पहले कोई फर्क पड़ा था, ना शादी के बाद कोई फर्क पड़ा है। तो उनके बयान पे मुझे तो हंसी के अलावा और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल, यानी आपको लगता है कि ये सिर्फ एक हंसी का पात्र है जो जिस तरह का बयान उन्होंने दिया? बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे साथ विवेक जी भी मौजूद है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर प्यार की बात है तो पहले प्यार करना आना चाहिए। और इसको समझने के लिए, किसी भी व्रत और त्योहार को समझने के लिए हमें उसके विज्ञान के पीछे जाना चाहिए। सिर्फ इसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हमारा धर्म शास्त्र, हमारे ग्रंथ में धर्म के साथ साथ विज्ञान भी छुपा हुआ है कि ये व्रत रखा ही क्यों जाता है, या कोई भी व्रत रखने का विधान क्या है, या उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले अगर आप ये जानकारी नहीं रखते तो आपको ये जानकारी रखनी चाहिए, उसके बाद किसी चीज का खंडन करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र को समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जो भी व्रत त्योहार पूजा पाठ है वो ज्योतिष के माध्यम से ही हमें पता लगता है। आज के दिन यानी कि करवा चौथ के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखने का विधान है। चतुर्थी तिथि के जो देवता या स्वामी कहे गए हैं वो भगवान गणेश कहे गए हैं। और आज के दिन या किसी भी चतुर्थी तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा का एक ऐसा संबंध बनता है जिसे ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक दोष बोला जाता है। दोष का अर्थ ही अशुभता से आ गया और षडाष्टक का अर्थ होता है ज्योतिष शास्त्र में छठा और आठवां घर। छठा घर जो है रोग, कर्जा और शत्रु प्रदान करने वाला होता है और आठवां घर मृत्यु को दर्शाने वाला होता है। इसके साथ साथ जो सबसे विशेष बात है, कार्तिक पक्ष के महीने में सूर्य भगवान अपने सबसे नीच अवस्था में, सबसे अशुभ स्थिति में चले जाते हैं। और सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा कहा गया है, हमारे शरीर की आत्मा कहा गया है। ऐसे में अगर हमारी आत्मा, ब्रह्मांड की आत्मा जो हमें शक्ति प्रदान कर सकती है, जो हमें विकास देती है, जो हमें उन्नति देती है, जो प्रकृति सृष्टि का नियम बनाती है, सूर्य उदय होगा तो ही दिन निकलेगा, अदरवाइज आपको दिन की अनुभूति नहीं होगी। तो सूर्य जो ब्रह्मांड के मालिक है वो अपनी परम नीच स्थिति में चले जाते हैं। बिल्कुल, हम जानेंगे बिल्कुल इसकी वजह जानेंगे, महत्व जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले अब मैं और रुक कर लेती हूँ, हमारे और भी खास मेहमान मौजूद हैं, रुझान कंबाटा जी भी हैं। रुझान जी, आप इसको कैसे देखती हैं? जो
ज्योतिष जी ने बताया, आई एम नॉट अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, बट आई मीन इतना लंबा, यू नो देयर हैज टू बी फेथ. जैसे कि अगर करीना जी का, तो इट वॉज जस्ट अ पासिंग स्टेटमेंट. जैसे हम लोग भी बोलते हैं, हमारे जैसे कि हमारे रिलीजन में भी कहते हैं कि भाई खुद पे ऐसे अत्याचार मत करो, भूखा मत रहो. तो हम भी कहते हैं कि भाई हमारे भगवान तो कहते हैं कि भाई खुद पे अत्याचार मत करो, भूखा मत रहो, इसलिए हम तो कभी कोई उपवास नहीं रखते हैं. तो सिमिलरली शी जस्ट मेड अ स्टेटमेंट, आई डोंट नो व्हाई वी आर मेकिंग अ ह्यू एंड क्राई आउट ऑफ इट. उसने सिर्फ इतना बताया कि भाई मुझे अपना प्रेम प्रूव करने के लिए उपवास नहीं करना है, और खाओ पियो मजा करो. सो आई डोंट नो व्हाई वी आर मेकिंग अ ह्यू एंड क्राई. जो अपने ज्योतिष जी ने बताया वो अपने रीच से, आई मीन आई वुड नॉट लाइक टू अगेन कॉन्ट्राडिक्ट हिम ऑल्सो, क्योंकि वी शुड रिस्पेक्ट, उनको भी हम रिस्पेक्ट देते जो बोले, और लेट अस से करीना जी बोले ठीक है, लेट अस रिस्पेक्ट दैट. यानी कि आपको लगता है इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और बहुत ही लाइट उन्होंने मोमेंट में ये बात कह दी है. Why are we taking it so much personal? अब इसमें रिलीजन आ गया है, इसमें सब एक दूसरे पे उंगला पूछेगी, जबकि ये करीना कपूर खुद करीना कपूर है, जो उन्होंने एक दिन अपने खुद के बॉडी के लिए, डाइटिंग के लिए वो खाना नहीं खाती थी, तब वो मजा नहीं करती थी, इसलिए वो जीरो फिगर बनी. सो यू नो एवरीबडी हैज टू टेक इट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव, देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिस्पेक्ट व्हाट अदर्स से, एंड नॉट, मैं आई वुड नेवर टेक इट सीरियसली. इट इज नॉट ऑफेंडिंग ऑल्सो. जैसे हमारे पॉलिटिकल नेता लोग या आसाराम बापू उस दिन बोले थे कि लड़कियों को भाई बना देना चाहिए जो रेपिस्ट हो, ये सब ये ऑफेंडिंग स्टेटमेंट है मैडम. जो पॉलिटिशियन बोलते हैं वो ऑफेंडिंग स्टेटमेंट है. दिस इज, अच्छा बिल्कुल समझ गए. तनिषा आप सुन रही हैं रुझान को, आप कैसे देखती हैं? हाँ, आपको क्या लगता है कि आप इनसे सहमत हैं? नहीं, एक्चुअली मैं इससे इसलिए सहमत हूँ क्योंकि हमेशा देखा गया है कि औरतें ही फास्ट रखती हैं, पति को अगर कुछ होता है तो औरतें ही उनके लिए पाठ पूजा करती है, करवा चौथ रखती हैं, जिसमें आप एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते हो. और वो उसी दिन सारे टाइम मैंने ये भी देखा है कि मर्दों को वो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वही मर्द समटाइम होता है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत रिलेशनशिप बाहर भी रखता है. तो मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि जो औरत इतना अपने हस्बैंड के लिए इतना डेडिकेशन से पाठ पूजा करती है और उसके लिए फास्टिंग रखती है, भगवान से वरदान मांगती है कि 7 जन्म तक मुझे यही पति मिले, तो हस्बैंड्स क्या करते हैं अपने वाइफ्स के लिए, या बॉयफ्रेंड्स क्या करते हैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए? बिकॉज क्योंकि इसमें कुंवारी लड़कियां भी रखती है. यानी कि करीना कपूर जो कह रही है वो ठीक भी है कहीं हद तक, अगर हम सीरियसली अगर हम उसको लें तो शायद वो ठीक भी है करीना, कहीं के क्यों भूखा मरे, आखिर क्यों भूखे प्यासे हम लोग रहे, यही ना. क्योंकि मेरे ख्याल से प्यार में से भूखे रहने से प्यार नहीं होता, जिसे करना रहता है वो करता है, और जिसे नहीं करना रहता आप उसके लिए कितना भी कर लो वो नहीं करेगा. बिल्कुल, और हमारे साथ इस बात से एग्री जी सामाजिक कार्यकर्ता सीमा सेठी जी भी हैं. सीमा आप सुन रही हैं ये अलग अलग जो मुख्तलिफ बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है इस चर्चा में, आप किससे सहमत है और किससे नहीं है, आपका पॉइंट क्या है? भारतीय नारी होने के कारण भारतीय संस्कृति से ही वह होंगी. बस ये एक हास्यपद कहानी लग रही है करीना की, क्योंकि इसमें जो कहा करीना ना वो एक हास्य है, और उसने इसलिए कहा क्योंकि उसको एक्टिंग करने की, नाटक करने की आदत है, वो नाटक ही इनकी जिंदगी में चलता रहता है. ये क्या जाने कि भारतीय संस्कृति क्या होती है या भारत के जो 33 त्यौहार होते हैं वो क्या होते हैं, लेकिन एक भारतीय नारी से जिसमें इतना त्याग है कि वो सुबह से लेके और रात तक पानी नहीं पीती है, उससे पूछा जाए कि इस त्याग का मतलब क्या होता है. और ये त्याग करने की भावना हमारे ईश्वर ने हमारे को दी है, लेडीज को ही दी है, ये जेंट्स को नहीं दी है, तो हम क्यों उनसे उम्मीद करें कि जेंट्स हमारे लिए व्रत करें? ये जब त्याग की भावना है, समर्पण जब औरत में है तो औरत ही समर्पण करेगी, और ये उसकी इस समर्पण में इस औरत की जो भावना दिखती है वो बहुत ऊंची देवी देवियों तक की मानी जाती है, और एक देवी होने के एक नाते ये सारे के सारे हक एक औरत को मिलते हैं. तो मैं तो करीना से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि उसने इतनी बड़ी संस्कृति को, इतनी बड़ी बात को मजाक में उड़ा दिया, क्योंकि वह एक अभिनेत्री और अभिनय करने में उसकी अपनी जिंदगी निकलती है. था कि लड़के बाहर बहुत मौज मस्ती करते हैं, वो खाते पीते हैं, तो ये जो करीना कह रही है वो कहीं हद तक सही भी है, मतलब उन्होंने बहुत ही लाइटली मूड में कहा हो, लेकिन कहीं हद तक सही भी है. नहीं, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि त्याग की भावना एक औरत में ही है, भारतीय औरत में ही एक त्याग की और समर्पण की भावना है जी. तो ये हम औरत, एक और भारतीय औरत ही कर सकती है, हम जेंट्स से क्यों उम्मीद करें इस चीज की? बिल्कुल. तनिषा आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी?
नहीं, मैं इस पर रिस्पॉन्ड ये बोलना चाहूंगी कि आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप हो वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए. जब आज की डेट में औरत जात इतनी आगे है, मर्दों से भी कई ज्यादा आगे, तो कुछ मामलों में औरत जात इतनी पीछे क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल. और जैसे उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं. जूली, आप क्या कहना चाहेंगी? आप सुन रही हैं इस चर्चा में जो बातें कही जा रही हैं? करीना ने जो कहा वो सिर्फ हाथ से नहीं है, उसके उसके पीछे पूरी दृष्टि है, भले कहने का ढंग हाथ से भरा हो. अब आप देखें कि कई ढंग की औरतें ये गलत करती हैं. एक बड़ा तबका उन औरतों का है जिनका ये माइंड कंडीशन है कि अगर ऐसा करेंगी तो अच्छी औरत कहलाएंगी, संस्कारी कहलाएंगी, उनको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी कि वो ऐसा कर रही, वो त्यागमयी और देवी कहलाएंगी, जैसा कि दूसरी मोहतरमा कह रही थी. तो ये जो मूल्य हमने स्थापित कर दिया उसको निभाने के लिए वो रद्द किया जा रहा है. उसमें फिर कई तरह के सास के, ननद के, पड़ोस पड़ोस के दबाव होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष. तो वहां यह व्रत बिल्कुल कुरूप हो जाता है, जो कि रूढ़िबद्ध हो जाता है. लेकिन कहीं कोई स्त्री अगर बहुत आहलाद से, अपनी उमंग से, अपनी भावना से कर रही है, तो उसको रोकने का या टोकाटाकी करने का कोई मतलब नहीं है. वहां तो बहुत खूबसूरत बात है कि हमें लगा कि तुम्हारे लिए मैं भूखे रहूं, बहुत खूबसूरत बात है. वहां तो हिसाब किताब नहीं है कि भाई मैं रहती हूँ तुम भी रहो, ये तो फिर वो त्याग हुआ तो सारा कुछ अहंकार का खेल हो गया, फिर वहां प्यार रहा ही नहीं. इसलिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि करीना ने ये कहने की कोशिश की है, चाहे जिस जज्बे की और जिस प्यार की और जिस एहसास की आप बात कर रही हैं, कि कहीं ना कहीं उसको भी उन्होंने अपने मजाक में, अपने ऐसे इस लहजे में कुछ चोट पहुंचाई है थोड़ी बहुत, कि क्यों भूखे रहना, खाओ पियो, ऐश करो, मस्ती करो. लगता है आपको ऐसा? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा. जिन्हें लगता है जैसे मैं भूखे नहीं रह सकती, बहुत सारी औरतें हैं उनको एसिडिटी है, गैस है, लेकिन परंपरा निभाने के लिए फिर भी व्रत करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं करेंगे तो कुछ पाप हो जाएगा, कुछ बुरा लगेगा, अंदर से फीलिंग बुरी आती है. तो ये चीजें, ये कुरूप हो जाता है, फिर उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने वो अपने शरीर को देखा नहीं, आप एसिडिटी है, गैस है, और आप व्रत किए जा रही. मैं खुद मेरी सहेलियों को जानती हूँ जो ऐसा करती है. बिल्कुल हो जाएगा. बिल्कुल, यानी कि आप कहना चाह रही है उस परंपरा को निभाने की कोशिश करती है, वो चाहे कितनी बीमार. जूरी ने एक बिल्कुल अलग पॉइंट यहाँ पर दिया है. यहाँ पर चर्चा लगातार जारी है और हमारे साथ बहुत खास मेहमान है जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि करीना कपूर ने आकर किस अंदाज में और लहजे का जो इस्तेमाल किया है वो वाकई में सही था या फिर ये सिर्फ मजाक था. यहाँ पर